तो पुण्यात्माओं, ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे काम तक आप पाया करें। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत नहीं जिस तरह से चमत्कार ना हो। बताओ दोनों बात, कि एक तो न्यू का जात्र न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं, वो ढेड़ आदमी है, और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता त्रैन्यो होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है पूरी पृथ्वी का सोना बना दे, पर फिर रोटी कितने खाएंगे? ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लाग जाएगा, इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चला रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप आरती आप साजय आप किंगर आप बाजय, अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। और कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े, आग लगे से सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ वा का करबोई जाने। अब खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बोक आए थे और मौज मचा दी भगवान ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रसायन पीजियो यो अवसर यो दावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका, और पछ फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नौकेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहाँ से।